कहानी के शुरुआत में ही हम लकी नेगी नाम के एक स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। और लकी अपने बेइंसाफ छोटी बहन के साथ रशिया में रहते थे। और लकी के पिता रशिया के इंडियन एम्बेसडर के ऑफिस में काम करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन लकी के स्कूल में एग्जाम थे और लकी जल्दी से स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी साइकिल खराब हो जाती है और रास्ते में ही एक अनजान इंसान के साथ लकी की मुलाकात होती है, जो कि एक अच्छा इंसान नहीं था और लकी की साइकिल ठीक करने के नाम पे उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन किसी तरीके से लकी उसके हाथों से बचकर भागती है और कुछ देर जाने के बाद ही एक चर्च के सामने एक पार्क किया हुआ कार देखती है और उसी कार के अंदर लकी छुप जाती है और वो आदमी भी लकी को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचता है। और इसके बाद ये कार जिसकी थी वो लड़का वहाँ पर आता है और उस आदमी को बहुत मारता है। इसके बाद वो लड़का अपना कार लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके कार में एक लड़की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कार एक चेक पॉइंट पे रुकती है और इसके बाद हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है आदित्य और आदित्य इंडियन एम्बेसडर मिस्टर शेखरी के बेटे थे और वो अपने पिता से मिलने के लिए ही जा रहा था। इसके बाद ही आदित्य को पुलिस से ये पता चलता है कि इस एरिया में टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है और इसीलिए माहौल बहुत ही खराब है। इसके बाद ही आदित्य को पता चलता है कि उसके कार के बैक सीट में लकी छुपी हुई थी और लकी को ऐसे अचानक देखकर आदित्य भी हैरान हो जाता है और वो पुलिस को कुछ एक्सप्लेन कर सके इससे पहले ही उस जगह पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है। और किसी तरीके से आदित्य लकी को लेकर वहां से भाग जाता है और वो लोग कार चलाकर एक कब्रिस्तान पहुँचते है। इसके बाद लकी और आदित्य एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और लकी आदित्य का नाम सुनकर उसे पहचानती है, क्योंकि लकी जिस स्कूल में पढ़ती है आदित्य भी उसी स्कूल में पढ़ता था और स्कूल में आदित्य काफी पॉपुलर है। और इसके बाद आदित्य और लकी आज रात इसी कब्रिस्तान में रुकने का ही फैसला करते हैं। दूसरी तरफ आदित्य के पिता और लकी के पिता को भी रशिया में होने वाले इस टेररिस्ट अटैक के बारे में पता चलता है और वो दोनों ही अपने अपने बच्चों को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि उन दोनों के ही कोई खबर नहीं मिल रही थी। और इसके बाद आदित्य के पिता मिस्टर सेखरी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर और रिटायर्ड कर्नल पिंडीदास कपूर को अपॉइंट करते हैं आदित्य और लकी को ढूंढ कर निकालने के लिए। और थोड़ी छानबीन करने के बाद पिंडीदास कपूर ये पता लगाते हैं कि लकी और आदित्य एक साथ ही होंगे, लेकिन वो लोग कहाँ पर है ये पता लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लकी आदित्य को उसके साथ सुबह क्या हुआ था उसके बारे में बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन सुबह आदित्य खाना ढूंढने के लिए एक जगह पर जाता है और लकी को अपने कार की देखभाल करने के लिए रख कर जाता है। और हम देखते हैं कि आदित्य अपने कार से बहुत प्यार करता है और बरसों से वो इसी कार को चला रहा था। इसके बाद आदित्य को खाना और पानी मिलता है और आदित्य का फोन काम नहीं कर रहा था क्योंकि वहां पर सिग्नल नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बाद ही आदित्य के फोन पर पिंडीदास कपूर कॉल करते हैं और आदित्य और लकी कहाँ पर है इसके बारे में पूछते हैं और आदित्य उन लोगों के लोकेशन के बारे में उन्हें कहते हैं और कर्नल कपूर आदित्य के वहीं पर ही रुकने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि वो एक घंटे के अंदर उन लोगों को लेने के लिए वहां पर आएंगे। और ये बात सुनकर आदित्य और लकी दोनों ही बहुत खुश होते हैं। इसके बाद लकी बॉटल में कलेक्ट किया हुआ पानी पीती है, लेकिन फिर उसे कब्रिस्तान के ऊपर से जाने वाले एक हेलीकॉप्टर में ये अनाउंस किया जा रहा था कि कोई भी अब पानी ना पिए क्योंकि टेररिस्ट ने पानी में जहर मिला दिया है और अगर कोई भी अब पाइपलाइन से लिया हुआ पानी पिएंगे तो उसकी जान जा सकती है। और जब तक ये बात आदित्य सुनता है तब तक लकी वो पानी पी चुकी थी। और इसके बाद देखा जाता है कि लकी के ऊपर जहर का असर शुरू होता है और वो बेहोश हो जाती है। और इसके बाद लकी को बचाने के लिए आदित्य को उस कब्रिस्तान से निकलना ही पड़ता है और आदित्य देखता है कि जहरीले पानी पीने के वजह से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके बाद ही आदित्य को एक लोकल डॉक्टर के बारे में पता चलता है, लेकिन उस डॉक्टर तक पहुंचने के लिए आदित्य को अपनी कार एक लड़के को दे देनी पड़ती है और लकी की जान बचाने के लिए आदित्य अपने फेवरेट कार को भी कुर्बान कर देता है। और उस डॉक्टर के घर में जाने के बाद लकी की ट्रीटमेंट होती है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन इसके बाद ही पुलिस घर में जाकर छानबीन कर रही थी और अगर कोई इंसान अपना पासपोर्ट और सही आइडेंटिटी ना दिखा पाए तो पुलिस उन्हें ही टेररिस्ट समझकर या तो अरेस्ट कर सकती है या फिर मार सकती है। और
वो डॉक्टर अपनी और अपनी बेटी पर खतरा आ सकता है ये सोचकर उसे रात को लकी और आदित्य को अपने घर से चले जाने के लिए कहते हैं। लकी की तबीयत तब तक बहुत खराब थी, इसीलिए आदित्य रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम लकी को वो अपने घर में रहने दे, लेकिन वो डॉक्टर नहीं मानते। इसके बाद उसी रात को लकी को लेकर आदित्य उस डॉक्टर के घर से निकल जाता है और एक पुराने घर में वो लोग रात में पुलिस से बचने के लिए रहते हैं। और हम देखते हैं कि जहर के इफेक्ट के वजह से लकी को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन अगर वो सो जाएगी तो उसकी जान को खतरा था और इसीलिए आदित्य पूरी रात लकी को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था। और देखा जाता है कि पिंटीदास कपूर उस कब्रिस्तान में पहुंचते ही लेकिन वहां पर उन्हें आदित्य का फोन पड़ा हुआ मिलता है और उन लोगों को ढूंढते हुए वो इस घर तक पहुंचते हैं और फाइनली वो लकी और आदित्य को देखते हैं। इसके बाद वो उन लोगों को सोल्जर्स के कपड़े पहनाकर एक सोल्जर के ग्रुप के साथ ही यहाँ से ले जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मिस्टर सेक्रेट रशिया में रहने वाले सारे इंडियंस को ये कहते हैं कि रशिया की हालत इस वक्त ठीक नहीं है और उन सबको फिलहाल इंडिया वापस जाना ही पड़ेगा और जब रशिया में हालत ठीक हो जाएंगे तो वो लोग चाहे तो वापस आ सकते हैं। लेकिन लकी के पेरेंट्स लकी को लेकर बहुत परेशान थे क्योंकि अब तक उसकी कोई खबर नहीं थी और उसे यहाँ पर छोड़कर वो लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन मिसेस सेक्री लकी के पेरेंट्स को ये दिलासा देते हैं कि आदित्य लकी के साथ है और कर्नल कपूर उन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। दूसरी तरफ देखा जाता है सभी इंडियंस एक फ्लाइट में इंडिया जाने की तैयारियां करते हैं और कर्नल कपूर लकी और आदित्य को किसी तरीके से उसी फ्लाइट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद ही उस सोल्जर्स के ग्रुप पर अटैक हो जाता है और सब इधर उधर बिखर जाते हैं। इसके बाद टेररिस्ट लकी और आदित्य के साथ कुछ और सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं और इसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि लकी एक सोल्जर नहीं बल्कि एक लड़की है और वो लोग लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और आदित्य उन्हें रोकता है और इसके बाद उन लोगों के बीच मारपीट शुरू होती है और आदित्य किसी तरीके से लकी को लेकर वहां से भाग जाता है और वो लोग एक बर्फीली जगह पर पहुंचते हैं और लकी देखती है कि आदित्य को गोली भी लगी थी और बर्फ में चलते चलते उन लोगों की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और लकी अपने पेरेंट्स को बहुत याद कर रही थी और वो बिल्कुल टूट जाती है। लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि चलते हुए वो लोग एक रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं और वहाँ की हालत भी बहुत खराब थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और एक ट्रेन में सब चढ़ने लगते हैं और आदित्य लकी के लिए एक ट्रेन में एक जगह का इंतजाम करके लकी को ट्रेन में चढ़ा देता है, लेकिन वो खुद नहीं चढ़ पाता और इस बात से लकी काफी दुखी होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि चलते चलते आदित्य बेहोश हो जाता है तो दूसरी तरफ लकी भी ट्रेन के एक छोटी सी खिड़की से कूदकर आदित्य के पास आ जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि लकी और आदित्य दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर वो लोग फिर से एक साथ इस जगह से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे तभी वो लोग कर्नल कपूर को वहां पर देखते हैं और आदित्य देखता है कि उनके पास आदित्य का कार भी है और आदित्य जब उनसे पूछता है कि उन्हें ये कार कहाँ से मिली तो कर्नल कपूर अपना सीक्रेट आदित्य को नहीं बताते। इसके बाद वो लोग वहाँ से एयरपोर्ट पहुँचते हैं और वहाँ पर आदित्य अपने पिता से और लकी अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होते हैं और इसके बाद लकी कर्नल कपूर को उन लोगों के साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन कर्नल कपूर कहते हैं कि उन लोगों का साथ यही तक ही था और कर्नल कपूर आदित्य से प्रॉमिस करते हैं कि वो शिप के जरिए उसके कार इंडिया पहुंचा देंगे और इसके बाद आदित्य और लकी कर्नल कपूर और रशिया को अलविदा कहकर इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।